हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुमुद वत्स और मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें विद्यार्थियों को ये सलाह दी जाती है कि वो किन तकनीकों का यूज़ करें जिससे कि वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकें और जो चीज़ उन्होंने याद करी है उसे लंबे समय तक अपने माइंड में रख सकें। तो आज का वीडियो मैं विद्यार्थियों के लिए समर्पित नहीं करता हूँ, ये वीडियो है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। तो जो पेरेंट्स और जो टीचर्स इस तकनीक को यूज़ करते हैं कि बच्चों को बहुत घंटों तक अगर पढ़ाया जाए तो वो चीज़ उनके माइंड में आ जाती है, या बच्चों को अगर ज़्यादातर पढ़ाई में इन्वॉल्व रखा जाए तो वो चीज़ उनके माइंड में घुस जाती है और वो उन्हें हेल्प करती है आगे इस कॉम्पिटिशन भरी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप बच्चों को प्रेशर देते हैं या बच्चों को आप बोलते हैं कि आपको लगातार कोई चीज़ पढ़ते रहना है, घंटे तक, दो घंटे तक, दिन तक, कई दिनों तक, कई महीनों तक, या जब तक कोई कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम उनका क्लियर नहीं होता तब तक उन्हें सिर्फ किताबों में घुसे रहना है और कुछ नहीं करना, तो ये टेक्निक उन लोगों को हेल्प नहीं करता है, ये विद्यार्थियों को हेल्प नहीं करता है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देके आपको समझाना चाहूँगा कि जब आप स्मार्टफोन पे काम करते हैं, अपने नॉर्मल फ़ोन पे काम करते हैं, तो वो फ़ोन आपको तब तक काम करने देता है जब तक कि उसकी बैटरी चार्ज है, लेकिन जैसे ही वो डिस्चार्ज होता है तो उसके बाद आप कितनी भी उंगलियां उस फ़ोन पे फिराइए वो आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि आप जब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो आप उस पर कितना भी वर्क करिए उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो कहीं पे भी रजिस्टर नहीं हो रहा है, वो आपकी उस मोबाइल वो उस चीज़ को ले ही नहीं रहा क्योंकि वो ऑलरेडी स्विच ऑफ है। तो अगर आप उस मोबाइल पे काम करना चाहते हैं तो आपको वो पहले चार्ज करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर आप उस पे काम कर सकते हैं। तो आपका माइंड भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, विद्यार्थियों का माइंड, हम सबका माइंड भी ऐसे ही काम करता है कि हमारा इन्फॉर्मेशन लेने का एक टाइम पीरियड होता है, तो जब तक उस टाइम पीरियड में हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हमारा माइंड उस चीज़ को गेन करने लगेगा। लेकिन उस अंतराल के बाद, हो सकता है किसी का 2 घंटे, किसी का 4 घंटे, किसी का 5 घंटे, पर वो उसका स्पैन ज़्यादा नहीं होता है। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारा इन्फॉर्मेशन लेने का स्पैन है कितना। तो हमें ये ऐसे पता चलेगा कि जब तक हमें उस सब्जेक्ट में चीज़ें समझ में आ रही हैं, राइट, जब आप कुछ पढ़ रहे हो और वो हमारे माइंड में जा रहा है, यानी कि आप जब तक चार्ज हो, और जैसे ही आप कुछ पढ़ रहे हो लेकिन माइंड में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप डिस्चार्ज हो गए हो, आपको वापस से चार्ज होने की ज़रूरत है। तो आप चार्ज कैसे होंगे, या अभिभावक अपने बच्चों को चार्ज कैसे करेंगे? आप उन अपने बच्चों को कभी फोर्स मत करिए बहुत ज़्यादा लगातार पढ़ते रहने के लिए। और दूसरी चीज़, जब आपको लगे कि एक अंतराल हो गया है जब आपके बच्चे को पढ़ते हुए, तो आप उसे उसके इंटरेस्ट का काम जिसमें उसे मज़ा आता है उसे करने के लिए उसे जाने दीजिए। अगर आपको बच्चों को खेलना पसंद है तो आप उस गेम को उस बच्चे को ला के दीजिए, अगर वो घर में खेलता है, अगर वो बाहर खेलता है तो उसे बाहर जाने दीजिए। अगर आपके बच्चे को लगता है कि मुझे मूवी देख के रिफ्रेशमेंट होता है तो आप उसे मूवी भी देखने दीजिए। हाँ जी, अगर आपके बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है और आपका बच्चा रिफ्रेश होता है मूवी देखने से, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि अपने बच्चे को आप मूवी भी दिखाइए। सेम जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया मोबाइल का, माइंड भी वैसे ही काम करता है। तो जब आपका बच्चा उस एक्टिविटी को करके वापस आएगा तो बिल्कुल रिफ्रेश होगा, सारी चीज़ें उसके माइंड में वापस से जो भी वो पढ़ेगा वो सारी चीज़ें उसके माइंड में रजिस्टर हो जाएंगे, राइट। तो जब आप इन अपने बच्चों को ऐसे अलाउ करोगे तो आप देखोगे कि आपके बच्चे का पढ़ाई का स्तर और चीज़ें याद रखने का स्तर काफ़ी ऊंचा चला गया है। अगर कुछ पेरेंट्स को मेरी बात अभी भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रही है तो मैं एक दूसरा एग्जांपल इसे लेना चाहूँगा कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है। हमारा माइंड 3 तरीके से काम करता है, इसकी 3 स्थिति होती हैं अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पहली चीज़ होती है जब हमारे सामने कोई घटना घटित हो रही होती है तो हमारे माइंड में वो 2-3 सेकंड के लिए वो इमेज चल रही होती है, तो वो एक छोटी मेमोरी हो गई। उसके बाद में वो नेक्स्ट फेज पे जाता है, नेक्स्ट फेज होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी हम इसे बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी होती है कि वो आप जब तक उस चीज़ को रिपीट करते रहेंगे जब तक वो आपके माइंड में चलती रहेगी, और जब आप उसे छोड़ देंगे तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी या नहीं जाएगी वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हम डिस्कस करेंगे।
और जो लास्ट मतलब जो शॉर्ट टर्म से जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का। तो जो चीज़ें हमें आज तक याद हैं, अपने बचपन की कोई चीज़ याद है, या हमने कोई बुक पढ़ी थी वो हमें याद है, या कोई भी ऐसी स्थिति जो आज हम बैठ के याद करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई भी हमारा वैसे ही होता है कि जब हमने बुक को उठाया तो वो हमारा फर्स्ट फेज जब तक हम उस किताब को देख रहे हैं, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा कि हम उसे कितना रिपीट कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए इस चीज़ का ज़रूरी है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, या आप पहले से जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में पड़ी हुई है और नई इन्फॉर्मेशन या नई किताब जो नए नया सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आप उस पुरानी इन्फॉर्मेशन से उसे कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें और ख़ासकर जो दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़, ये जब ही पॉसिबल है जब आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं, तो जब आप विद्यार्थियों को फोर्स करते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए और इससे इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, तो ये आपके फोर्स करने पे डिपेंड नहीं करता कि विद्यार्थी कितना लेगा, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि विद्यार्थी मेंटली कितना रिलैक्स्ड है और वो उस इन्फॉर्मेशन को कितना इंटरेस्टिंग मान रहा है अपने उस लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसे पहुँचाने के लिए। तो जब आप अगर उसे फोर्स करना छोड़ेंगे और उसके काम को करने के लिए उसे अलाउ करेंगे, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अपना शॉर्ट टर्म में इसमें उससे उठा के अपनी मेमोरी को लॉन्ग टर्म में डाले, और जब उसके सामने वो एग्ज़ाम आएगा, जब उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि जो भी उसने उस टाइम पे पढ़ा था रिलैक्स्ड माइंड के साथ में, वो उसे याद आएगा और उसे कर पाएगा, राइट। तो ये एक ऐसी टेक्निक थी जो मैंने काफ़ी लोगों से सुना, मैंने इसे पढ़ा कई जगह पे, और मैंने इसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया, तो मुझे इससे बेनिफिट हुआ। तो मैं चाहता था कि जैसे मुझे बेनिफिट हुआ, अगर किसी एक विद्यार्थियों को भी इससे बेनिफिट हो जाता है तो मेरा इस वीडियो को करने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि जो दामोदर होता है वो विद्यार्थियों पे होता है क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी होती है, बट जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर्स की और पेरेंट्स की है। तो मैं चाहूँगा कि आप पेरेंट्स और टीचर इस वीडियो को देखें और जो टेक्निक इसमें आपके साथ में शेयर करी गई है उसे आप अपनाएं। थैंक यू वेरी मच।